गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज मतलब ये व्लॉग काफ़ी लेट स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसा कि आप लोग टाइम देख रहे हो कि ऑलमोस्ट 4:30 होने वाला है। अभी मैं कॉलेज से आया था, मतलब थक गया था पूरी तरह से, क्योंकि सुबह सुबह मतलब उठने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। आज मैं 8 बजे उठा हूँ और 8 बजे से मुझे 8:30 बजे कॉलेज के लिए निकलना रहता है हर हालत में। आकर के नहाया हूँ, नहा करके फिर खाना खा के मैं सो गया हूँ। मैंने कुलदीप को बोल दिया था, जो कि मेरा रूम पार्टनर था, मैंने उसको बोल दिया था कि भाई मेरे को उठा देना। तो अभी मुझे जाना है हेयर कट कराने के लिए, क्योंकि जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि बाल काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरा मतलब अजीब सा हो गया, मतलब मुझे खुद पसंद नहीं आ रहा। अभी फटाफट से निकलते हैं और जाते हैं बाल कटाने के लिए, और आप लोग को दिखाता हूँ उसके बाद का लुक कैसा रहता है। क्या बोल रहे थे अभी? अच्छा, मैं बहुत बड़ा झूठा हूँ भाई, मैं बहुत बड़ा झूठा हूँ। और यहाँ पे क्या झूठ का बात हो रहा है बताओ। अच्छा, मतलब कुलदीप का कहना ये है कि मैं अभी झूठ बोल रहा हूँ, मैंने आप लोग से झूठ बोला है कि मैं नहा चुका हूँ। अभी हम लोग कॉलोनी से जस्ट निकल चुके हैं, घर से निकल चुके हैं, और हमारे आज के सारथी हैं कुलदीप जी। कुलदीप जी आज गाड़ी चलाएंगे। फाइनली अभी हेयर कट हो गया है, 590 रुपये का बिल आया है। अभी हम लोग जा रहे हैं, अब घर जाएंगे। यहाँ से घर जाने के बाद हमारा कुछ प्लान्स है। प्लान्स मतलब ये है कि अभी 6 बजे के बाद फिर अभी जाऊँगा वॉकिंग करने के लिए, और जहाँ तक अभी हो चुका है टाइम, क्यों खुल देखो लग रहा है, खाना भी बनाना है हम लोग को। तो अभी यहाँ से लग रहा है कि सीधा जनेश्वर जाएंगे। जनेश्वर में और मौसम काफ़ी ज़्यादा मतलब ठंडा हो रहा है, हवा चल रहा है बाहर। अंदर हम लोग बैठे हुए थे, अंदर में मतलब तो गर्म था, पूरा फुल्ली पैक था, कुछ पता नहीं चल रहा था। बाहर निकलते ही भैया वो इतनी मतलब बहुत सही ठंड है, और ये जो भी लोकेशन है आप लोग देख सकते हो कि आप लोग ने फ्लाइंग बीस्ट सर के वीडियो में आप लोग ने देखा जो होगा, जो उसी प्लेस में मैं आया हूँ, जस्ट यहाँ पे दिप्टी कैथलॉन है, जो आप लोग ने देखा होगा कि उनके, और ये रहा वो हयात एजेंसी, जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे हो यहीं पे वो स्टे कर रहे थे। और उसके बाद उनको धुआं दिखा, जिसके बाद उन्होंने फायर ब्रिगेड को कॉल किया, बाद में पता चला कि कुछ कचरा जलाया जा रहा है। तो अभी पहले हम लोग जाएंगे, देखते हैं कि अभी हम लोग आगे का प्लान क्या होता है, क्योंकि प्लान कभी भी फ्लक्चुएट कर सकता है। तो अभी जैसा भी प्लान होगा फिर आप लोग को इन्फॉर्म करता हूँ मैं। डायरेक्ट जनेश्वर आ गए हैं। जनेश्वर आने के बाद फिर अभी यहाँ से हम लोग फ्लाइट पे जाएंगे। फ्लाइट पे जाने के बाद अभी खाना बनाएंगे। तो कुलदीप बताओ यार, बाल सही में कैसा लग रहा है ये बताओ? सही कट किया उसने? ऐसा होता है ना कि हाँ, जब आप करके बाल कटवा के निकलो, सेट कर देते हैं वो लोग इस तरीके से कि आपको लगता है कि हाँ मतलब बहुत सही है, बहुत सही है, बट निकलने के बाद वो गड़बड़ हो जाता है। मतलब हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना कि भाई जैसा उसने कट करके दिया है, मतलब सेट करके दिया है, 24 घंटे हमेशा वैसा ही रहे, बट जो कि होता नहीं। होपफुली आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अभी क्या है ना कि स्टार्टिंग किया है मैंने ब्लॉगिंग का, तो मुझे ब्लॉगिंग का इतना कुछ बेसिक्स पता नहीं, ऑल द बेसिक्स नहीं। ब्लॉगिंग इज़ ऑल अबाउट रॉ वीडियोज़, कि जो आप हो वही आप अपने ऑडियंस के सामने रहो। तो कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे कि जो मैं हूँ, जैसे मैं रहता हूँ, वो आप लोगों के सामने एज इट इज़ प्रेजेंट करने का। सो फॉर व्हाट्स एवर रीज़न, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, एंड इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना। और जो भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मेरा यूज़र नेम BLIKEAC4 है, आप लोग वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ठंड के मारे यार पूरा मतलब ऐसा हो रहा है ना कि मुझे ये डर है कि सर दर्द ना हो जाए। अब देखते हैं, बैठो नहीं, करना है भाई वॉकिंग करना है अभी। खड़े तो अच्छा, मैं व्लॉग एंड करने लगा तो तुम मतलब बैठ जाओगे।